Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रतिमा भाई, हाय क्या चाल है। जन्मदिन मुबारक हो। आज ये जन्मदिन की मुबारकबाद खड़े खड़े हमारे करीब आकर मुबारकबाद दो। देखो हमने तुम्हारे लिए क्या शानदार तोहफा मंगवाया है, देखोगी तो आंखें चुंधिया जाएंगी। नहीं ठाकुर साहब, इस बार हार हीरे मोती का तोहफा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए जानम? एक छोटी सी विनती है, अगर आप पूरी कर दें तो मैं समझूंगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। जाने मन, तुम्हारे लिए तो हमारी जान हाजिर है, एक बार कह के तो देखो। आज हम आपकी महफिल में अकेले नहीं गाएंगे, बल्कि एक कलाकार के साथ गाएंगे और मुकाबला करेंगे। मुकाबला किसके साथ? जयकिशन के साथ। जयकिशन? जी हाँ। पर भाई वो तो बहुत बड़े गवैये हैं, उनके मुकाबले का तो गाने वाला और है ही नहीं। यही तो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर गा सकते हैं। आपकी महफिल में रंग भी आ जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बदला? जी हाँ, एक बार उसने हमें बहुत दलील किया, एक मुकाबले में हमारे सामने गाना गाने से इनकार कर दिया क्योंकि हम तवायफ हैं, मुजरा करते हैं ना। ठाकुर साहब आप एक बार ये मुकाबला जरूर करवा दीजिए, उसके बाद हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करते रहेंगे। प्रतिमा भाई, इतना खूबसूरत लालच दोगी तो जयकिशन तो क्या
उसके मरे हुए पुरखों को जिंदा करके तुम्हारे सामने गाने के लिए पेश कर देंगे। शमशेर सिंह। जी सरकार। जय किशन से कहो कि हमने उसे याद किया है, आज हमारी हवेली पर उसके गाने का मुकाबला होगा प्रतिमा बाई के साथ। शुक्रिया। नमस्ते जय किशन जी। शमशेर सिंह, इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? ठाकुर साहब ने आपको हवेली बुलाया है इस वक्त। जी हाँ, ठाकुर साहब के घर में प्रतिमा बाई का मुजरा है और ठाकुर साहब चाहते हैं कि आप अपने स्वरों के जरिए। ऐसी महफिल में जाकर मैं अपने संगीत का अपमान नहीं करूंगा। इसमें अपमान की क्या बात है? है, संगीत एक पूजा है, एक साधना है, एक तपस्या है, और उस तपस्या को मैं तमाशा नहीं बनने दूंगा। सोच लीजिए, ठाकुर साहब को ना सुनने की आदत नहीं। और मुझे भी तवायफों के सामने गाना गाने की आदत नहीं है। क्या कहा? उसने आने से इनकार कर दिया, हमारी दावत को ठोकर मार दी, उसकी यह हिम्मत। मैं तो पहले ही जानती थी ठाकुर साहब, वो नहीं आएगा। प्रतिमा बाई, हम अपना वादा पूरा करेंगे, जय किशन इस हवेली में जरूर आएगा और तुम्हारे साथ गाएगा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं नहीं गा सकूंगा। जय किशन, तुम हमारा अपमान। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप मुझसे ही मेरे संगीत का अपमान करवाना चाहते हैं। जिस संगीत को मैं भगवान का प्रसाद मानता हूं, वो संगीत एक बाजारू नाचने वाले के पांव का घुंघरू नहीं बन सकता। जय किशन, तुम हमारी हवेली में आओगे और प्रतिमा बाई के सामने बैठकर गाना गाओगे। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मकतूल शमशेर सिंह के कत्ल के इल्जाम में मुल्जिम जय किशन को मुजरिम करार देते हुए यह अदालत 14 साल बामुशक्कत की सजा सुनाती है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बेटे, जब कभी अकेला महसूस करो, इसे बजा लिया करना, मन को शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे पास हूं। बेटे, तेरे लाओ, रोते थे। चलो।
अल्लाह, लगता है जैसे बहती गंगा की लय पर कोयल कूक रही हो। तुमने बेटे इतनी छोटी सी उम्र में ये गाना कहां से सीखा? पिताजी से, ये उन्हीं का लिखा हुआ गाना है। तुम उस्ताद जयकिशन के बेटे हो? हाँ। ओ, कहां है वो? वो जेल में। जेल में? मेरे बेटे लाल, कैसा है तू? ठीक हूँ। जय किशन जी, कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे मिलना नसीब होगा, लेकिन आपके इस बच्चे के जरिए ये अरमान भी पूरे हो गए। मगर आप यहां? ये सब उसकी मर्जी है भाई, बस मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए जितने अरमान थे सब मेरे साथ बंदी हो गए। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, सुबह शाम आप ही के गाने गा कर मैंने जिंदगी बसर की है। बहुत एहसान मंद हूं मैं आपका, कर्जदार हूं आपका। अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं जय किशन जी, बस इतनी इजाजत दे दीजिए इस बच्चे की परवरिश कर सकूं। भाई, एहसान करने वाले इजाजत नहीं मांगते। नहीं नहीं, ये एहसान नहीं है जय किशन जी, आपके अरमान पूरे करने की महज एक छोटी सी कोशिश है। अल्लाह मुझे कामयाबी दे।
अब ये मुर्गी के अंडा डाल। क्या देखता है? अंडा डाल। टोनी, अब अंडा डालने का नहीं, निकालने का समय आ गया है, समझा? के चमचो उठा के ले जाओ इसे, समझे? अरे राज, वाह वाह राज, वाह, क्या निकाला उसका ताज। राज राज यार, वो दोनों यहाँ आए हुए हैं। कौन? अरे यार, जिनका तो जबरदस्त फैन है यार, विक्की और पूनम। क्या? हाँ चल। अरे ए, ए। राज वो देख। श्योर। हाँ, यू वेलकम। Vicky, please. No autographs, no autographs. निकल रहे हैं, राज, अरे राज, तेरे को autographs चाहिए थे ना? हाँ। अरे वो तो गए। नमस्ते बाबा। ओह नमस्ते बेटे, नमस्ते। अरे ये आज फिर किसकी तस्वीर उठा लाए तू? हाँ बाबा, ये मशहूर सिंगर विकी है, ये तस्वीर उसी की है बाबा। ये गवैया है या दर्जी है? दर्जी? अरे हाँ, देखो ना, चेहरे पे ना गाने का नूर है, ना आंखों में संगीत का सुरूर है, सर से पांव तक भड़कीले कपड़ों से ढका हुआ, लगता है कोई रेडीमेड कपड़ों का इश्तहार है। आप भी पुराने जमाने की बातें करते हैं बाबा, आज वो वक्त नहीं रहा कि गाने वाला धोती कुर्ता पहनकर हाथ में सितार लेकर बैठा रहे, आज वक्त सितार का नहीं गिटार का है, गिटार का बाबा। दुनिया बड़ी तेज हो गई है। हाँ, बरखुरदार कुछ हद से ज्यादा ही तेज हो गई है,
हमारे जमाने के लोग बुढ़ापे तक जवानी का मजा लेते थे, और आज जवानी आती भी है तो बुढ़ापा साथ लेके आती है। बाबा, आपके जमाने में असली घी मिलता था, लेकिन अब तो साला नकली घी भी नहीं मिलता। हाँ, ये दुरुस्त है बरखुन। अरे ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे ये तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी, ये जगह मैंने किसी खास तस्वीर के लिए छोड़ी हुई है, उस दिन के लिए जिस दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा गवैया बनेगा और सारे शहर में उसके नाम के पोस्टर लगे होंगे, इश्तेहार लगे होंगे। बाबा, अब भी आपको उम्मीद है कि ऐसा दिन आएगा? इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा बेटे। जिस तरह छोटा सा पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है और उसपे फल लगते हैं, उसी तरह तकदीर का पौधा भी बढ़ता है और उसपे मेहनत का फल जरूर लगेगा एक दिन। बाबा। हाँ बेटे। संभाल, अच्छा। बहन जी, कहाँ जाना है आपको? पता नहीं। मतलब शहर में नए आए हो? हाँ। तो रहने के लिए जगह की जरूरत भी पड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, मैं अभी खोली का इंतजाम करवा के आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। हाँ? मैं अभी आया, एक मिनट। कमाल हो गया ना, कितने अच्छे लोग हैं। अरे आप, क्या चीज आई है। अच्छा, पहले उसे मजा कर लेंगे और बाद में उसे कोठे पे जाकर भेज देंगे। हाँ, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा करो, उधर वाली गली में पहुंचो, मैं उसे पटाकर वहीं ले आता हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो। सुनिए, खोली का बंदोबस्त हो गया। सच्ची? जी। चलो आइए। अबे शैतान की औलाद, आज फिर आ गया तू यहाँ पे, लेकिन मैं तुझे लड़कियों की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। चल दफा हो जा यहाँ से, पलट के मत देख, निकल जा सीधा। चाचा, हम आपके एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। एहसान कैसा बेटे, इंसान इंसान के ही काम आता है। मगर तुम लोग आए कहां से हो? यहीं पास के गांव से। चाचा, हम भाई बहन के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। शहर में नाच गाकर रोटी कमा लेंगे। जी। इसका मतलब तुम भी मेरी तरह किस्मत के मारे हो। चाचा, अगर सर को इज्जत से छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो। हाँ। बच्चों, जगह तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे मोहल्ले की आंधी से मिलना होगा। आंधी? लड़की है, उसका नाम चुटकी है। चुटकी। हाय हाय चुटकी। साला हल्का। अच्छी बजती है। अरे तेरी पायल नहीं बसंती, चलो। तेरी तो उस्ताद माल नया लगता है। अरे हम पुराना कर देंगे बेचारी को। होए होए। गधा कहीं का, तू चल। यहाँ सबके सब ठरकी हैं। अबे ये बस्ती है या म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा? सब गंदगी फेंके जा रहे हैं। अरे माफ करना, मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो एक झापड़ देती, सब देखना शुरू हो जाता। अरे मुंह संभाल कर बात कर छोकरी, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। हाँ, जाने देना, चल चलना। ए गायकी। हाँ बोल। ये लड़की है या तूफान? जस्ट लाइक अ थंडरस्टॉर्म यार। ये झोपड़ा है बिल्कुल मरीन ड्राइव के बंगले जैसा। ये खिड़की है ना, इसको खोलो तो सामने दरिया दिखता है। अच्छा? हाँ, और वो खिड़की है ना, वो खिड़की। हाँ? उस खिड़की को खोलेगा तो सामने गटर दिखेगा, लेकिन ये खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है। अच्छा। और छत से रोशनी आती है। हाँ? बस पानी की थोड़ी तकलीफ है, नल से भर के लाना पड़ता है। ओ, लेकिन बारिश में आराम ही आराम है, नल से भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी इतनी जोर से छत से टपकता है कि दो मिनट में बाल्टी भर जाती है। बोल, लेने का झोपड़ा? झोपड़ा है तो बहुत अच्छा, लेकिन भाड़े के लिए अपने पास पैसे नहीं है। अरे बंबई में जो भी नवा आता है उसके पास पैसा अच नहीं होता, लेकिन बंबई तो पैसे का झाड़ है, हिलाओ तो पैसा गिरता है। सच्ची? जिसने हिला लिया उसने पैसा पा लिया।
देखने में लगती है थोड़ी 16 साल की, देखने में लगती है थोड़ी 16 साल की, अल्लड़ जवानी तेरी चीज है कमाल की, यूं तो हजारों मुझ पे टालती है डोरियां, मेरे लिए आहे भरे कई जा चोरियां, तेनू बनाया बनाया तेनू बनाया अपनी हीर टोपी वाले ने, तेनू बनाया अपनी हीर टोपी वाले ने, तिरछी नजर का मारा तीर टोपी वाले ने। क्या हिला है आज, क्या हिला है? अरे गुस्सा छोड़, ये देख आज हम पर पैसों की ऐसी बरसात हुई है कि जैसे किसी गंजे के सर पर खेत में बिना छतरी के बरसात होती है।
गट्टू एक चवन्नी उधर भी उछाल देती हूँ, वरना बोलेगा बेईमान है, उसके हिस्से का खा गए। जा ऐश कर, तू भी क्या सोचेगा किसी रईस से पाला पड़ा था। वाह 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 छोकरी वाह, तेरी कंजूसी के घटियापन का भी जवाब नहीं। अरे अखे बंबई के भिखारियों का स्टैंडर्ड गिरा दिया इस छोकरी ने। हट साला, ये ले ये भी रख ले, कड़की के दिन चने कुरमुरे खरीदने के काम आएंगे, समझे? तेरी तो। अरे बैठ जा बैठ जा, उसके हाथ का एक भी फटका पड़ गया ना तो नाम याद आ जाएगी। ये छोकरी तेरा सुर तो ठीक है मगर वो ताल कहाँ है? ताल? अरे वही लंबू जो तुम लोगों के साथ गाता है। अरे उसके बगैर तो तुम लोग अधूरे हो, अधूरे। अरे तू अभी तक इधर ही खड़ा है? एक बार बोल दिया ना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, समझा? अरे अब तू सिर खुजा या पैर खुजा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं गाऊंगा। हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे? अबे साले थोड़ी सी तो शर्म कर, उधर तरकारी पक रही है, बास यहां तक आ रही है। मेरा मतलब है हम कल से भूखे मर जाएंगे अगर तुम हमारे साथ गाने को नहीं आओगे। अच्छा है मर जाओ। और वो तेरी कंजूस बहन क्या समझती रही अपने आप को? चार आने टिका के गए अपन को, अपन क्या चार आने का कलाकार है? अरे वो तो लैंग्वेज में धोखा खा गया, नहीं तो बड़ी बड़ी पार्टी में गाता बजाता और लाखों रुपए कमा सकता था, समझा? अब चार खिसक किधर से आ गई साली। ये देख मैं तेरे वास्ते क्या बना कर लाई हूँ। अरे चोरी के बर्तन में तरकारी गरम करके लेके आई होगी, और क्या क्या लेके आई हूँ तेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी गरम गरम बना कर लाई हूँ, जरा चख के देखना। तू अपुन को म्युनिसिपैलिटी ऑफिस का चपरासी समझकर रिश्वत देने आई है क्या? चल ना अभी माफ कर दे, पहली बार गलती हो गई, तीन बार तो भगवान भी माफ कर देता है। तीन बार तो भगवान भी माफ कर देता है। अच्छा चल बिजनेस की बात कर, बोल कितना देगी? एक रुपए में चार आने तेरे, बारह आने मेरे। फिर चार आने? अरे नहीं चाहिए, चलो फुटो इधर से। अच्छा अच्छा सुन, पचास पैसे तेरे पचास मेरे, आधा तेरा आधा मेरा। इसका मतलब फिफ्टी फिफ्टी। चल दो सौ रूपए वो जो घर पे फोटो है ना उसके बाजू में लगाएगा। और अरे सुना ये बहुत पकड़ू है, अपन जैसे लोगों को भाव नहीं देता, तेरे को साइन करेगा। ये नहीं सुधरेगा। अरे कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई चांस ही नहीं। अरे तुम लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे अपने शो पे जाना है, हटो यहाँ से। सलाम साहब। सलाम। क्या बे? अरे साहब अपुन तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, क्या आवाज है साहब का, क्या स्टाइल है। ए साहब अपुन को एक साइन दे दो ना। दूर हटकर बात कर, पसीने के पास आ रही है। अरे साहब अपुन गरीब लोगों का तो 24 कला खून पसीना तो बहता है, गुलाब का खुशबू कहां से आएगा? एक साइन दे दो ना। साइन चाहिए? अब तुझे बड़े आदमी से बात करने की तमीज आ जाएगी। बास्टर्ड हट। क्यों मारा रे उस हरामी ने तेरे को? अरे ये साले के सर में घमंड भरा हुआ है बसंती, कहीं किस्मत ने अपन का साथ दिया ना और ये साला अपन को किधर मिल गया तो इसको तोड़ के इसका सारा घमंड बाहर निकाल डालेगा। साला घमंडी कहीं का, साला हरामी,
साला क्या समझता है अपने आप को? साला शाड़ा बनता फिरता है, साला थोड़ा सा नाम क्या हो गया साला? गरीबों को इंसान नहीं समझता साला। अरे ये क्या कर रहे बेटे तू? अरे बाबा आपको क्या मालूम, ये आदमी बहुत भावुकता है बाबा, बहुत भावुकता है। इसको अपने पैसे और नाम पर इतना घमंड है, इतना घमंड है बाबा, कि अपने चाहने वालों को मोहब्बत की जगह गालियां देता साला। इस जलील आदमी की तस्वीर इस घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ओ, ओ, बेटे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ये गवैया नहीं दर्जी है, दर्जी। किसी का दिल छोटा होता है, किसी का बड़ा। प्याला अगर समंदर को गाली दे तो क्या समंदर खाली हो जाएगा? छोटा दिल जब शोहरत और दौलत हजम नहीं कर पाता ना, तो गुरूर की शक्ल में बदल जाता है। दुखी मत हो बेटे, अपने वालिद की बांसुरी पे कोई राग छेड़ दे, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। जा। हमीद चाचा, पत्थर को पिघला देने वाली इस प्यारी धुन में दिल को चीर देने वाला ये दर्द कैसा? बसंती बेटे, जिसके जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हो, उसके साज उसकी आवाज से और क्या निकलेगा? मगर चाचा, इस दुख की कोई वजह भी तो होगी। दुख की वजह तो कोई बहुत बड़ा दुखी होता है बेटे, और राज का दुख है उसके बेकसूर बाप को मिलने वाली सजा। क्या बेटे, ये ऊपर से हंसने और अपने साथ जमाने को हंसाने वाला राज अपने अंदर आंसुओं का समंदर लिए घूम रहा है। इसे जब अपने बाप की याद आती है तो अपनी यादों के जख्मों का दर्द जगाने लग जाता है। बेटे, इसके बाप संगीत के बहुत बड़े कलाकार थे, उनके सुर और राग इसकी बांसुरी में बहने लग जाते हैं और सुनने वालों की आंखों में आंसू। घासलेट खलास हो गया भाई, चलो जाओ। कमाल है लाला, पांच दिन के बाद घासलेट आया और पांच मिनट के खलास भी हो गया। लेकिन तुम्हारे लिए है बसंती, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर तेल का कुआं खुदवा दूं। अरे ओ लाला, बसंती के घर 10 लीटर तेल पहुंचा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके भूल जैसे हाथ चूल्हे की लकड़ी से काले हो जाए। छोड़ मेरा हाथ। उन्हें एक बार जो चीज पकड़ लेता है मेरी जान, कभी नहीं छोड़ता। हरामजादी, आज तक इस बस्ती में किसी ने टोनी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, और तूने? बच्चे, किसी अच्छे पहलवान से मालिश करवा लेना, नहीं तो बाजू लटक जाएगा, समझा? हट। जो घासलेट के कुएं खुदवा रहा था। क्यों लाला, घासलेट नहीं है क्या? मैंने कब ना बोला? देख लाला, जल्दी बसंती को घासलेट दे दे, वरना एक झापड़ दूंगा ना, घास पे लेट जाएगा, समझा? चल फुटा भी। हाँ, हाँ, मैं अभी देता हूं। उस्ताद, आज बसंती ने हाथ उठाया है, कल पूरी बस्ती हाथ उठाएगी। अरे वो लौंडिया क्या हाथ उठाएगी, वो तो सब राज के बलबूते पे करती है। राज को अपने रास्ते से जल्दी हटा दो उस्ताद, वरना बस्ती में तुम्हारा भाव गिर जाएगा। अपना भाव गिरने से पहले हम उस लौंडिया को बस्ती वालों की नजरों से गिरा देंगे। क्यों गट्टू, शाम से गया अब लौटा है तू, कहां गायब रहा? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तुम
आगे मत बढ़ना, मैं कहती हूँ टोनी आगे मत बढ़ना, देखो अच्छा नहीं होगा, टोनी आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जा, टोनी आगे मत बढ़ना, निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, नहीं तो चीर के रख दूंगी, निकल जा। इसकी हालत बहुत नाजुक है, अगर एक घंटे के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, लेकिन ऑपरेशन के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी? कम से कम 1000 रुपए ऑफिस में जमा करा दीजिए। 1000? लेकिन इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहां से? ये मंगल सूत्र लेके कहां जा रही हो? इसे बेचकर राज का ऑपरेशन कराऊंगी। इसे बेच दोगी? ये मां ने मरते समय तुम्हें दिया था तुम्हारी शादी के लिए, और तुम इसे बेच दोगी? मंगल सूत्र तो दूसरा मिल जाएगा, राज नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैंने 1000 रुपए जमा कर दिए हैं, अब तो मेरा राज बच जाएगा ना? Mm-hmm.
बसंती बेटे। चाचा। अरे अरे अरे, अजीब किस्म की लड़की है, रोई चली जा रही है। अगले खुदा के फजल से वो अच्छा हो गया है और बहुत जल्द घर वापस आने वाला है। चल चुप हो जा, बंद कर इन आंसुओं को। चल कैसे बंद करूं चाचा, मेरे हाथ में थोड़ी है ये आंसू। ये तेरे प्यार के आंसू ही तो हैं बेटी, जिन्होंने तेल बनकर राज की बुझती हुई जिंदगी के चिराग को फिर से जलाया है। चल चुप हो जा। चाचा राज ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। चाचा हमीद, अब मेरे बेटे का क्या हाल है? जयकिशन भाई, उसका जख्म भर चुका है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द से सेहतयाब हो जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। वेरी गुड, राज तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब तुम घर जा सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे तू मुंह लटका के क्या बैठा है, अब तो डॉक्टर साहब ने घर जाने की छुट्टी भी दे दी है। मुझे इसी दिन का इंतजार था बसंती, कि कब डॉक्टर मुझे छुट्टी दे और मैं उस साले की छुट्टी कर दूं। तू टोनी की बात कर रहा है? हाँ बसंती, उससे मुझे अपना बदला लेना है। अरे टोनी से तेरा बदला कानून ने ले लिया है, उसे तो 2 साल की सजा मिल चुकी है। अच्छा होके आ गया बेटे, परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली। लो चाचा अब तो रोजा खोल लो। रोजा? लेकिन ये महीना रमजान का तो नहीं है। अरे इन्होंने 3 दिन से रोजा रखा हुआ है, किसी की मानते ही नहीं। कहते हैं बस जिस दिन राज सही सलामत घर लौटेगा उसी दिन अनाज को हाथ लगाऊंगा, वरना यूं ही भूखा रहूंगा। बसंती ने? मैं नहीं मानता। अरे हाँ भाई हाँ, बसंती ने। अरे यार दिन भर में 10-15 रुपए कमाने वाली लड़की एक रात में उस बीमार के लिए 1000 रुपए कहाँ से ले आई? बसंती ने तो एक ही रात में चुटकी के धंधे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नई चीज है ना प्यारे, इतना पैसा तो एक रात का कोई भी। अरे दिया होगा, तू पत्ता फेंक। बसंती ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तू मेरे ऑपरेशन के लिए एक ही रात में 1000 रुपए कहाँ से लेके आई? तू अच्छा हो गया यही काफी है ना, अब किधर से लाई किससे लाई तेरे को क्या करना है? एक बसंती मेरी बात का सीधा जवाब दे, तू 1000 रुपए कहाँ से लेके आई? उधार मांग के लाई। उधार? वो साला बनिया चाराने के चावल उधार नहीं देता, तुझे 1000 रुपए कौन देगा? एक बसंती मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, तू सच सच बता तुझे 1000 रुपए कहां से मिले? बोल नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं बताता हूं। गट्टू तू चला जा यहां से। क्यों जाऊं? तूने मां की निशानी मंगलसूत्र बेचकर इसकी जान बचाई और ये तेरा एहसान मानने के बजाय तुझ पर उल्टे सीधे शक कर रहा है। मंगलसूत्र? हां हां मंगलसूत्र, जिसके सिवा इसके पास अपना घर बचाने के लिए और कुछ भी नहीं था, वो भी तेरी जान बचाने के लिए गिरवी रख दिया। साला मैं भी कितना उल्लू का पट्टा हूं, कद 6 फुट के ऊपर चला गया फिर भी पांव तो ला अकल नहीं आप उनके पास। तूने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर मेरी जान बचाई और फिर भी मैंने तेरे साथ इतनी बकबक कर डाली। लेकिन क्या करूं बसंती,
लोगों की बातें और गंदे ख्याल बहुत तकलीफ देते हैं ना, इसलिए जो भी मुंह में आया कह डाला। मिस्टेक हो गई, माफ कर देना, कर देना। अरे ये क्या किया? तेरा मंगलसूत्र। मगर मेरे गले ने क्यों पहना दिया? कमाल है, तेरा मंगलसूत्र, तेरा गला। क्या मैं पुलिस से लाइसेंस लेके आऊं तेरे को पहनने के लिए? तू कैसा भोंदू है रे, कुछ समझता नहीं। अरे अरे मत दिखाना, जरा आईने में देखना, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के माफिक लग रही है। इसीलिए तो मना कर रही हूँ। किस लिए? हे भगवान, या तो इसे अकल दे या मुझे गुंगा कर दे। नहीं समझा? ओफो, ये वही लड़कियां पहन सकती है जिनका ब्याह हुआ हो। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा, और ये वही पहना सकता है जिससे ब्याह हुआ हो, समझा? तेरे को किसने बताया? माँ ने, मरते समय उसने मुझे दिया था और कहा था मैं गरीब हूँ, तुझे और कुछ तो नहीं दे सकती, ये मंगलसूत्र देकर जाती हूँ, ये उसी लड़के को देना जिससे तेरा ब्याह होगा, वो तुझे अपने हाथों से पहनाएगा, ये तेरे सुहाग की निशानी होगी। तू अब भी चाहता है कि मैं इसे पहने रहूं? हाँ, अभी तो तू इसे कभी मत उतारना। जब तू अपनी कहानी सुना रही थी ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि तेरी माँ ये मंगलसूत्र मेरे लिए देकर गई थी। दूर से, अभी रिश्तों में पूरी तरह बनने के लिए फेरे लगाना जरूरी है। फेरे? फेरे का क्या है? फेरे तो अभी लग सकते हैं। अरे क्या कर रहा, छोड़, गिर जाऊंगी। तो चक्रम है क्या? तेरे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई थी? अरे सबकी शादी हुई थी, मेरे दादा दादी की शादी हुई थी, तब तो अपना ठिकाना भी नहीं था। मेरे माँ बाप की शादी हुई थी, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और मेरी बहन की शादी। भगवान, तेरे से शादी करूंगी तो मैं 6 महीने में बुढ़ी हो जाऊंगी। और भी अच्छा होगा, तू एक कोने में बगैर दांत की बुढ़िया बैठी रहे ना, और मैं कमा के अपने हाथ से खाना पका के। अरे खाने के नाम से याद है, चल तू फटाफट तैयार हो जा। क्यों? अरे सबने मेरे ठीक होने की खुशी में दावत रखी है होटल में। होटल में? हाँ। मैं नहीं चलती होटल वोटल में। देख ये नाटक वाटक नहीं चलेगा, चल तैयार हो जा। अपना भी शर्ट जरा फटेला है, आप उन नया शर्ट पहन के आता है क्या? अरे बसंती, ये लोग खाना का खिला रहे हैं, जहां तो बोल यार। क्या? अरे ये लंगूर इधर क्या कर रहा है? अरे भाई लंगूर है, अपने किसी उछल कूद के प्रोग्राम की पब्लिसिटी कर रहा होगा। हाँ, लगता है कल इस लंगूर का कोई डांसिंग शो है। अच्छा, कल इसके शो में इसका वो हल करूंगा कि ये साला सचमुच लंगूर लगेगा। Thank you.
अभी ताजा ताजा मिली है खबर, अभी अभी ताजा ताजा मिली है खबर, आई है यहाँ पे एक जान जिगर, आई है यहाँ पे एक जान जिगर, दिल पर है नाम उसका, दिल को चुराना है काम उसका, मैंने तो कहा कि नहीं डालिंग। तू जा यहाँ से, वरना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे मुंह क्या, तू मुझे सर से पांव तक नोच डाल। पहले ये बता हुआ क्या, तू ऐसे होटल से भागकर क्यों आ गई? अरे जा अपनी उस छम्मक छल्ले से पूछ जिसके साथ तू कमर मटका मटका के नाच रहा था। अरे अरे बसंती, मैं तो उसे जानता तक नहीं, वो तो अच्छा नाचती है अच्छा गाती है, तो मेरा मन चाह के मैं उसके साथ। अच्छा, तेरा मन जाए चूल्हे में और वो जाए जहन्नम में, तू फूटता है कि नहीं? अरे अरे बसंती, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अब भी देखती हूँ कैसे नहीं जाता है। इधर इधर नहीं आना, उसी के पास जा, अपनी छम्मक छल्लो के पास, जिंदगी भर नाचता रहेगा। देख बसंती, अब मेरा भी बेटा फिर गया है, चला हट। अगर तूने जल्दी से दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं कुछ कर डालूंगा। बसंती, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तेरे घर के सामने किसी ऊंची जगह से कूद कर मर जाऊंगा। बसंती, मैं मरने जा रहा हूं। नहीं ऐसा मत कर, मैं कूद रहा हूं, देख बसंती। नहीं मेरे यार। बेशर्म, झूठा, 420। अरे इसमें 420 की क्या बात है डार्लिंग, ये साली बस्ती कोई बस्ती है? हाँ। अरे अखी बस्ती में इससे ऊंची जगह है ही नहीं। हाँ। बस्ती तो बना ली लेकिन खुदकुशी, खुदकुशी के लिए जगह ही नहीं बने। हाँ। अरे ये कोई शराफत है? नहीं। हाँ? आज के बाद तुम मुझसे कभी बात नहीं करना।
good champagne. Darling, hold this for me. Really? क्या गाया उसने? मुझे लगता है उसे देख के विकी को जरूर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एक मिनट. विकी, behave yourself. Champagne? No, thank you. Mood नहीं है. Mood नहीं है? इतना fantastic शो गया, उसकी खुशी के लिए पियो. No, thank you. हमारी जोड़ी के लिए पियो, हमारी तुम्हारी मोहब्बत के लिए पियो. मोहब्बत? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? देखो विकी, तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह शराब पीकर बेहुदा बातें मत किया करो. कोई सुन लेगा तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? कल को मेरी तुम्हारी शादी होगी ना, तो दुनिया सब कुछ समझ जाएगी. शादी और तुमसे? देखो, शराब उतनी पिया करो जितनी हजम कर सको. ओके? चुपित. क्या हुआ? कुछ नहीं, ये रोज रोज की पार्टी और अंग्रेजी खाने से बोर हो गए हैं. चलो आज कहीं बाहर चलकर कुछ चटपटा मसालेदार खाना खाते हैं. हाँ, पाव भाजी. फाइव स्टार के खाने से तो ये खाना कहीं ज्यादा अच्छा है ना? वाकई पाव भाजी मजेदार है. एक प्लेट भाजी दे दो. मेरे गीतों को भुलाना सकोगे तुम? हो मेरे गीतों को भुलाना सकोगे तुम? हर गली में इन्हें गूंजते पाओगे. मेरे गीतों को भुलाना सकोगे तुम? ओ मेरे गीतों को. अरे मीर साहब, आप यहाँ? तुम्हारी आवाज खींच लाई. सुर और सरस्वती का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं सुना. क्या बात कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छा गाते हो. तुम्हारा नाम क्या है? राज. राज, ये मेरा कार्ड है. हो सके तो कल तुम मेरे घर आना. मैं? और आपके घर? मैं कला और कलाकार की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम कलाकार के साथ साथ कल के बहुत बड़े आकार भी हो. राज, मुझे उम्मीद है तुम कल जरूर आओगे. अच्छा बजा लेते हैं आप. बड़े भाई, थोड़ी सी तकलीफ कर रहे हैं आप. जरा वो पूनम जी को बुलाएंगे? मैं उसका नौकर नहीं हूं. तो चमचे हो? शराब. मैं उसका होने वाला पति हूं. ओ, पति हो? सपना देख रहे हो? क्या दोस्त, अपनी दुआ तेरे साथ है. अगर भगवान ने चाहा तो तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा. विकी, समझ में नहीं आता तुम राज को देख के इस तरह नाक क्यों चढ़ा लेते हो. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है. विकी, शायद तुम्हें याद नहीं है कि एक दिन डैडी ने भी तुम्हें यहाँ बुलाया था सिंगर बनाने के लिए. मुझ में टैलेंट था और है. राज में भी टैलेंट है, और माफ करना विकी, राज में तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंट है. लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. Now, wait a minute, विकी. तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम्हारा काम सिर्फ स्टेज पे मेरे साथ गाना गाना है, मेरी जाती जिंदगी में दखल देना नहीं. ओके? हाँ तो राज, तुम आज से रिहर्सल शुरू कर दो. विकी तुम्हें सिखाएगा कि स्टेज पे किस स्टाइल के साथ खड़ा रहना, किस तरह से गाना गाना, किस स्टाइल के साथ ऑडियंस में माइक लेके. नेवर. कभी नहीं. रेस का घोड़ा कभी खच्चर को दौड़ने का ढंग नहीं सिखाता है. Am I clear? ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद सिखा लूंगी. क्या मतलब? मतलब ये बड़े भाई कि आप यहाँ से जा सकते हैं. अंग्रेजी में बोलते हैं यू गो, मराठी में बोलते हैं तुम्ही जावा, और अपनी सड़क छाप भाषा में बोलते हैं फट.
क्या? अच्छा तो पूनम जी, मजाक तो बहुत हो गया, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझ गरीब में क्या रखा है? राज, तुम्हारे गले में सुरों का सागर भरा हुआ है और ये सागर अपनी मौजों में सारी दुनिया को डुबो सकता है। अरे अपुन तो फुटपाथ छाप पॉलिश वाला, अपुन क्या किसी को डुबाएगा मेम साहब? जब दिन भर खुद पसीने में डूबते हैं ना, तब जाकर दो वक्त की रोटी का पैसा मिलता है अपुन को। समझ लो तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हो गए, बहुत जल्द राज सारे शहर में सारे देश में मशहूर होगा, सबकी जुबान पर राज और पूनम की जोड़ी का नाम होगा। बाबा, आपने जो मेरे लिए मंजिल सोची थी, आज मैं उसका सफर शुरू कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दो बाबा। भगवान की लीला भी कितनी निराली है, मुझे बंदी रखकर भी मेरे सपनों को रिहा कर दिया। बेटे, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे, तू हमेशा खुश रहे। अरे बसंती, गौतम, अरे गट्टू अपे, अरे चूची, अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे मुझे अलादीन का चिराग मिल गया, मुझे अलादीन का चिराग मिल गया। अरे जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो सुन के सारे बस्ती को चक्कर आ जाएगा। अबे कुछ बताएगा भी यार, मुझे स्टेज पर गाने गाने का चांस मिल गया है। क्या? और जानते हो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अरे हाँ हाँ, पूरे 200 रुपए महीना। सुबह 200 रुपए महीना? अरे तो 500 होंगे। नहीं, पूरे 5000। 5000? हाँ बसंती, तुम्हारे राज को 5000 रुपए मिलेंगे और वो सबको राज कराएगा। राज यूं समझ लो कि हमारे कड़की के दिन गए, लोगों के जूते पॉलिश करने और सड़क पर गाना गाने के दिन खलास। लगता है तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, तो चलो मेरे साथ, उठाओ सामान और करो इस बस्ती को आखिरी सलाम। अरे देखते क्या, चलो, अरे जाओ यार। भाई वाह। तो चाचा कैसा लगा ये मकान? बेटे, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मजहब में यकीन रखता हूँ। इस दुनिया में बेटे नेक काम करने वाले को जरूर जन्नत नसीब होती है, लेकिन परवरदिगार ने हमें जीते जी जन्नत दे दी। अल्लाह तुझे कामयाबी दे बेटे, तो और तरक्की करे बच्चे, और तरक्की करे तू। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये राज के बस्ती वाले दोस्त हैं और वो अपनी जिंदगी में इनके बगैर एक कदम भी नहीं उठाता है। तुम राज को स्टार बनाना चाहती हो ना, और ये बस्ती वाले लोग अपनी बस्ती की सारी गंदगी उस स्टार के नाम और स्टार को बनाने वाले के नाम उछाल कर चले जाएंगे। तुम्हें अपनी मेहनत में सिवाय कीचड़ और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ इधर देखिए। अरे क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों हिचकी शुरू हो गई। ये बसंती है जो राज के दिल पर राज करती है, जहां राज जाता है ना ये उसके पीछे पीछे उसके साथ जाती है। एक गिलास पानी ला देना। अभी लाती हूं। अरे सीधा बैठ। सुनो, नमस्ते मेम साहब। आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब, जो हम गरीबों को झोपड़ पट्टी से उठाकर महलों में ले आए। बसंती, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी, मैं जो कुछ तुमसे कहने वाली हूँ राज की भलाई के लिए है, उसे गलत मत समझना। बसंती, ये दुनिया एक बाजार की तरह है, जो चीज बाजार में जितनी खूबसूरत सजेगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। ये मछलियां देख रही हो, कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये खूबसूरत तो हैं, पर इनका ये जो माहौल है, खूबसूरत फिश टैंक, इसकी सजावट ने मछलियों को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। और अगर हम इन्हीं मछलियों को किसी मामूली कांच के बर्तन में रख दें तो इनकी तरफ देखने को किसी का मन नहीं चाहेगा। इसीलिए बसंती, माहौल का बदलना
जिंदगी में बहुत बड़ी कीमत रखता है। राज बहुत अच्छा गाता है, कल वो स्टार बन सकता है, इस देश का बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। मगर बसंती, ये तभी मुमकिन होगा जब उसका माहौल बदलेगा, उसकी आदतें बदलेंगी, उसमें बड़े लोगों में उठने बैठने की तमीज पैदा होगी। पर यहाँ के माहौल को देख के लगता है कि अगर यही हाल रहा तो राज सिर्फ राज ही रहेगा, अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर कभी राज नहीं कर सकेगा। बसंती, अगर तुम लोग सचमुच उसके दोस्त हो, उसका भला चाहते हो, तो तुम तो हमें इस माहौल से दूर जाना होगा, राज की दुनिया से दूर, क्योंकि हमारे गंदे कदम उसकी तरक्की के रास्ते को गंदा कर देंगे, हमारा साथ उसकी शोहरत को दाग लगा देगा, हमारी मौजूदगी पत्थर बनकर खूबसूरत मछली के खूबसूरत टैंक को तोड़ देगी, यही ना? आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद राज आपके हवाले हैं, क्योंकि आप उसे सितारा बना रही हैं, और जब वो सितारा बन जाएगा तो हम अपनी बस्ती की गंदी जमीन पर खड़े रहकर ऊंचाई पर चमकने वाले सितारे को देखकर खुश हो जाया करेंगे। ए, वो आ रहा है अफी, वो आ रहा है। ये क्या बेवकूफी है यार, तुम लोग घर छोड़ के क्यों चले? नहीं तो और क्या, जिंदगी भर वहां रहना था। अरे मेहमानों की तरह गए, खा पिया, फिर वापस अपनी औकात पर। कमाल है यार, किसने कहा तुम लोग मेहमान हो? वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम सबका घर है। नहीं भाई नहीं, हम लोग सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहते हैं, बख्शीश लेने वाले भिखारी नहीं, समझा? हाँ राज, तेरी दुनिया बहुत ऊंचाई पर है, और बिड़ो अपने को ऊंचाई से चक्कर आता है। हाँ ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार? हम लोग पागल ही सही यार, नहीं रहना हमको तेरे घर में। हाँ नहीं रहना, चल। हाँ यार नहीं रहना, चलो चलो चलो। गट्टू बसंती, ए बसंती, अरे बसंती, अरे बसंती, ये क्या है? क्या है? अरे ये बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया तूने? जब से धंधा शुरू किया और क्या। अरे क्या बकवास कर रही है रे, एक मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चल हट, आया बड़ा मारने वाला, ये मारने मारने की धौंस किसी और को देना, मैं तेरी रखी नहीं जो तू मेरे को मारेगा। अरे हाथ लगा के देख, अंदर नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। धंधा करते तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। अरे क्या बकवास कर रही है तू, तू होश में तो है? अभी तो होश में हूँ। हाँ कल रात थोड़ी पी ली थी तो चढ़ गई, ये इंग्लिश दारू भी फटाक से चढ़ जाती है। चल चुटकी जल्दी कर, सेठ जी की गाड़ी आ गई। कहाँ जा रही तू? बिजनेस का टाइम हो गया, दिखता नहीं, सेठ जी की गाड़ी आ गई। कल रात को बुलाया था, 200 रुपए दिए, ये देख आज फिर बुलाया, मैं बोली 500 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगी। हाँ हरामजादी, तू भी बाजारू औरत बन गई है, ये धंधा तूने क्यों किया? बोल बोल, ये धंधा तूने क्यों किया? बोल बोल मुझे। अरे बोल मुझे क्यों किया? बोल बोल, चल हट। दलील औरत, तूने इसे भी बर्बाद कर दिया, इसे भी एक जिस्म बेचने वाली गिरी हुई औरत बना दिया। इसने नहीं बनाया, मैं खुद बनी हूँ। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, रोज नए नए कपड़े चाहिए, नए नए आशिक चाहिए। इस पवित्र चीज को तूने अपने नापाक शरीर पर क्यों लगा रखा है? मेरा मंगलसूत्र वापस कर दो। ये इज्जतदार औरतों की पहनने की चीज है, कोई इज्जत बेचने वालों के लिए नहीं। ये मेरी माँ का है। तेरी माँ ने ये मंगलसूत्र तेरे पति के लिए दिया था, तवायफ बनकर किसी सेठ के घर में पहनकर जाने के लिए नहीं दिया था, समझी? हमने ये नाटक करके ठीक नहीं किया बसंती। अच्छा हो या बुरा, मैं राज की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे राज को इतना बड़ा इंसान बना दे कि दुनिया में उसी का नाम गूंजे,
उसे बहुत दौलत मिले, इज्जत मिले, हर कोई उसे इतना प्यार दे कि वो मेरे बदनसीब प्यार को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तेरा क्या होगा? होगा क्या, गलियों में पैदा हुए गलियों में गाते गाते मर जाएंगे। नहीं पगली, जब तक चुटकी जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। चुटकी? ठीक है मियां, आपकी बार तो 800 में काम चला लेता हूँ, लेकिन बसंती आज की रात नहीं आ सकेगी, क्योंकि आज की रात वो कहीं और मसरूफ है। कल की रात उसे भेज दूंगा, मगर हाँ सेठ जी से एक बात कह देना, आइंदा कभी बसंती के साथ रात गुजारनी हो तो 1000 से कम नहीं लूंगा। 1000? अरे भाई 700 बसंती के और 300 मेरी दलाली के मियां। राजू, अरे बेटे तुम कब आए? बड़े सही वक्त पे आए हो बाबा। बाबा, मैंने आपको हमेशा पिता समान समझा है, और आज आप अपनी होने वाली बहू के शरीर का सौदा कर रहे हैं, उसकी बोली लगा रहे हैं बाबा। मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर देना, मेरे गुनाहों को बख्श देना। तुम्हारे दिल से तो अब सिर्फ खुशियों के सुर निकलने चाहिए। जानते हो जिस रास्ते पे तुम मेरे साथ निकल पड़े हो उसकी मंजिल क्या है? इज्जत, दौलत, शौहरत, नाम और एक नई जिंदगी। ये दुख भरे सुर तुम्हारी बीती हुई जिंदगी का हिस्सा हैं, जो गुजर चुके हैं। राज, भूल जाओ सब कुछ, आओ मेरे साथ। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये पसीना पहुंचने के लिए नहीं है, ये अपने कपड़ों पे बिछाने के लिए है, ताकि कपड़ों पे दाग ना लग जाए। ये लो बिछाओ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बिछाओ। हूँ ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी खाते हैं, इसके साथ खाते हैं, इसके साथ। इसके साथ? हाँ, इससे तो मेरे मुंह में छेद हो जाएगा। मैं सिखाती हूँ तुम्हें, इस हाथ में पकड़ो। हाँ ऐसे, हाँ दूसरा दो।
डायकी जल्दी लगाना। अरे लगा रहा हूँ ना यार। ठीक है। बेटे एक दिन तेरी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। ले। छोरा जम रहा। ऐसी इज्जत की वो मंजर बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटे। जब उसने गाना खत्म किया तो ऐसे तालियां बजी के जैसे सारा शहर तालियों से गूंज रहा हो। लेकिन राज को नहीं मालूम कि उसकी इस तरक्की और शोहरत के पीछे तेरी कितनी बड़ी कुर्बानी है बेटे। ये तो तेरी पाक मोहब्बत का सिला है जो अल्लाह ताला ने तेरी कुर्बानी कबूल करके उसे इतनी बड़ी कामयाबी की शक्ल में अता किया है। और बेटी जानती है आज उसकी कामयाबी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी जा रही है। चाचा
मैं भी उस दावत में जाऊंगी। बेटे, जमीन का कंकर जब सितारा बन जाता है तो वो सिर्फ आसमान का होकर रह जाता है। उसे जमीन वाले देख तो सकते हैं मगर बेटे उसे छू नहीं सकते। मगर चाचा, मैं उसे उस जगमगाती शोहरत की दुनिया में उन बड़े बड़े इंसानों के बीच देखना चाहती हूँ। मेरा राज कैसा लगता होगा? मैं नजदीक नहीं जाऊंगी चाचा, दूर से छुप छुप कर देखती रहूंगी। चाचा चाचा, इतना तो मेरा हक बनता है ना? हाँ बेटे हाँ। बाहर क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? राज की पार्टी चल रही है, गैर अंदर आओ अपने बाहर। नहीं आओ, मैं अंदर आओ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अंदर आओ। अरे राज की पार्टी है, तुम्हारे राज की। आओ आओ राज, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ। कैसे दोस्तों यार, ऐसे मौके पर पुराने दोस्तों को भूल गए? आज तुम्हें फुर्सत कैसे मिल गई? रात को तो तुम्हारे धंधे का वक्त होता है ना। अगर तुम यहां कोई ग्राहक ढूंढने आई हो तो गलत जगह आई हो। यहां शरीफ लोग आते हैं, बाजारी औरतों को यहां आने की इजाजत नहीं, समझी? Get out. Out! कहां जा रहे हो? तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने। अरे खाने की अब किसको परवाह है? तुमने तो जिंदगी भर के लिए मेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। कीचड़ से निकलकर मुझे सचमुच का हीरा बनाकर दुनिया की नजरों में फिट कर दिया है। एकदम फिट कर दिया तुमने मेरे को। तुमने तो जूते चमकाने वाले की किस्मत ही चमका डाली। मालूम है, दुनिया में अक्सर खूबसूरत लोगों का दिल बहुत ही बदसूरत होता है, लेकिन तुम्हारा दिल और चेहरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? अच्छी? अरे तुम तो पूजा के लायक हो। तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो। और बसंती? नाम मत लो उस बाजारू औरत का, नाम मत लो उसका। वो आज पार्टी में मुझसे मिलने के लिए नहीं बल्कि अपने ग्राहक को तलाश करने आई थी। अपने ग्राहक को तलाश करने आई थी पूनम। राज, मुझे यकीन नहीं होता बसंती इस किस्म की लड़की है। कल तक मैं भी यही समझता था पूनम, लेकिन जब उसकी असली सूरत मेरे सामने आई ना, तब मैं उसके पापी शरीर से ये उतार लाया। ये देखो, पाप के गले में पवित्रता का हार नहीं रह सकता। ये तो तुम जैसी पवित्र लड़कियों के गले में शोभा देता है। लो पहन लो इसे, पहन लो इसे पूनम। राज, इस मंगलसूत्र को पहनाने का मतलब समझते हो? हाँ, इसका मतलब बहुत ही मतलबी इंसान से समझाऊं पूनम। लो पहन लो इसे, पहन लो इसे, पहन लो इसे।
बसंती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं बसंती, बहुत प्यार करता हूं। विकी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। तुम बात करना चाहती थी? खैरियत तो है ना? विकी, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मेरे साथ हर प्रोग्राम में राज गाएगा, सिर्फ राज। मुझे ये खबर सुनकर रत्ती भर भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन के इरादों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं राज से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। क्या शादी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गई तुम? तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे डैडी सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अपनी बेटी की शादी एक सड़क छाप जो लोगों के जूते साफ करता उसके साथ तय करेंगे? बाप कमाई पर पलने वाले सिर्फ अमीर होते हैं, बड़े नहीं। और राज बड़ा आदमी है, बड़ा कलाकार है, और ऐसे आदमी को दामाद बनाने में पिताजी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर हुआ भी तो मैं राज का हाथ थाम के हमेशा के लिए उनके घर से चली जाऊंगी। पूनम, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहो। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। हो सकता है तुम्हें जो कहना है मुझे सब मालूम हो। नहीं पूनम, जिस सांस का तार कभी ना छेड़ा हो उसकी आवाज भला कौन जान सकता है। पूनम, मैं तुम्हें अपने पिताजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पिता? तुम्हारे पिता? मगर तुमने तो कभी उनका जिक्र भी नहीं किया, मैं तो समझी थी कि शायद। नहीं पूनम, वो इस दुनिया में है, जिंदा है। मगर वो है कहाँ? जेल में। जेल में? हाँ पूनम, 12 साल से वो कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके हाथों एक आदमी का खून हो गया था और अब वो उस किए की सजा काटकर कल जेल से रिहा हो रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। पूनम, तुम्हें इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि मेरे पिताजी ने आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में काटी और मैं एक मुजरिम, एक कातिल का बेटा हूँ? नहीं राज, खून तुमने नहीं, तुम्हारे पिता ने किया था। और क्या पता वो कौन से हालात थे, कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने उन्हें खून करने पर मजबूर कर दिया। वो जो भी हैं, तुम्हारे पिता हैं, और जो इज्जत पिता की जाती है वही इज्जत मेरी नजरों में तुम्हारे पिता की भी है। थैंक यू पूनम, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे इस छोटे से जवाब ने मेरे जहन पर पड़े बहुत बड़े बोझ को हल्का कर दिया। पूनम, मेरे पिताजी बहुत महान इंसान है, उनके गले में सुरों का समुंदर है। सच? और अगर आज वो जेल में ना होते तो वो बहुत बड़े गायक, बहुत बड़े संगीतकार होते। पूनम, इस बेटे को सुरों की दौलत उसी बाप की तो देन है। मुझे कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्दी। जी, आज यूं खुलकर मिलने से लगा कि पहली बार मुलाकात हो रही है। बेटे, आज हमारे बीच लोहे की चुभने वाली सलाखें नहीं है ना, इसलिए। अरे बेटा, तू तो मुझे स्वर्ग में ले आया। मैं जेल की दीवारों में बैठा रहा और तू गरीबी की दीवारें तोड़कर अमीरी की दुनिया में कहां से कहां पहुंच गया। ये सब तेरा है? नहीं पिताजी, ये सब आपका है। नमस्ते बड़े मालिक। हमारा है। नमस्ते बाबा, ये रामू है, ये मेरे खाने पीने का ख्याल रखता है।
मालिक, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। अच्छा 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 अच्छा। बेटे ये कौन है? बाबा ये पूनम है। आज मैं जो कुछ भी हूं बाबा, इसकी बदौलत हूं। ये वही लड़की है बाबा, जिसने मुझे गुमनामी की जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसके मुझ पर इतने एहसान है बाबा, जिन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। बेटे, जिसने तुझे सहारा दिया, क्या मुझे उससे नहीं मिलवाएगा? जरूर मिलाऊंगा बाबा, जरूर मिलाऊंगा। पूनम की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला कर ले? जो इंसान हमारे घर में मामूली नौकर बनने के काबिल नहीं, वो उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। उसे हमारा दामाद बनाकर वो हमारा मुंह काला करना चाहती है। और वो दो कौड़ी का फुटपाथिया हमारी बेटी की मोहब्बत को सीढ़ी बनाकर हमारी दौलत तक पहुंचना चाहता है। लेकिन हम उससे पहले ही ए, सुनो ठाकुर साहब, आप जय किशन, तू यहां? अरे तू क्या कर रहा है इस बंगले में? ठाकुर साहब, बेकसूर होकर जेल में रहने वाला क्या अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने बेटे के साथ नहीं गुजार सकता? बेटा? यानी कि वो आवारा चालबाज राजू तेरा बेटा है? नहीं ठाकुर साहब, मेरा बेटा आवारा चालबाज नहीं है, वो एक महान गायक है। क्या, महान गायक और आपका बेटा? वाह बड़ो वाह, एक फुटपाथी चुन्नी अठन्नी कमाने के लिए जूतों की पॉलिश करता है, आज वो महान कलाकार बन गया। ठाकुर साहब, मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी को फंसा कर आपकी दौलत हासिल करने के लिए इसी बड़ाऊ ने राज को उकसाया है। बेटे, प्यार के लिए किसी को उकसाना नहीं पड़ता। प्यार तो एक ऐसी कशिश है जो इंसान को एक दूसरे की तरफ खुद ब खुद खींच लेती है। प्यार तो इबादत है जिसे करने वाले इंसान इंसान से फरिश्ता बन जाते हैं। सुन रे, मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मैं तेरे बेटे को मिलने आया हूँ। वो घर में नहीं है। जब वो आए तो उसे कहना कि मेरी बेटी की तरफ बढ़ते हुए अपने कदम फौरन रोक ले। उस गंदी नाली के कीड़े को अपनी औकात याद दिलवा देना। जय किशन, बाप की अर्थी बेटे के कंधे पे जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटे की अर्थी तेरे कंधे पे जाए। खबरदार, जो मेरे बेटे के बड़े मालिक, तेल की चक्की पीसने वाले हाथ मेरे गिरेबान पर। आओ विकी। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा। छोटे मालिक, पूनम मेम साहब के पिताजी आए थे, उन्हें मालिक को बुरा भला कहा और थप्पड़ भी मारा। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे बाप पर हाथ उठाया था ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी पर कैसे हाथ उठाया जाता है। राज, पागल हो गए हो क्या? हट जा पूनम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राज प्लीज, मेरे लिए। पाप और गलतियों की सजा तो सब देते हैं, लेकिन बड़ा वो कहलाता है जो माफ कर देता है। इन्हें माफ कर दो, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। राज, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं जरूर जाऊंगी। मैं उसका खून करवा दूंगा। आप और कर भी क्या सकते हैं, कोशिश करके देख लीजिए। राज पे चलने वाली हर गोली, हर वार आपकी बेटी के सीने से होकर गुजरेगा। उस हरामजादे के लिए तुम अपने बाप से बगावत करोगी? अपने बाप के लिए बेटी का यही फर्ज होता है। और बेटी के लिए भी बाप के बहुत से फर्ज होते हैं पापा। अपनी बेटी की तमाम खुशियां छीन के आप उसे फर्ज निभाने को कह रहे हैं। औलाद माँ बाप के किए का फल होती है, कल जो बोया था आज वही काटना पड़ेगा। ठाकुर साहब,
गर्मी से काम मत लीजिए, ये सब वक्ती बुलबुले हैं, हवा के एक मामूली से झोंके से टूट जाएंगे। और फिर इनकी रस्सी तो आप ही के हाथ में है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप प्रोग्राम के लिए पैसा नहीं देंगे तो शो कहां से होगा। मैं देखता हूं ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। बड़े मालिक। हाँ? मालिक खाना लग गया है। राज को आने दो, साथ में खाना खाएंगे। उनके इंतजार में तो खाना ठंडा हो जाएगा। यानी? क्योंकि वो तो अब सुबह ही लौटेंगे। सुबह? क्यों रामू, चुप क्यों हो? क्या बताऊं मालिक, कई महीने हो गए साहब रात को घर से जाते हैं और सुबह शराब के नशे में धुत वापस लौटते हैं। मालिक कई महीनों से वो चैन से सो भी नहीं सकी। किस्मत से मिलता है।
मिला मुझे यार मिला, मैं फिर भी हूँ तन्हा तन्हा, प्यार किस्मत से मिलता है। दुनिया सा हसी ये दुनिया यूं तो सबकी है, ढूंढा तो यहाँ कोई अपना नहीं, हर मोड़ पे है एक भीड़ लगी, मैं फिर भी हूँ तन्हा तन्हा, प्यार किस्मत से मिलता है, ओ यार किस्मत से मिलता है। मुझे प्यार मिला मुझे यार मिला, मैं फिर भी हूँ तन्हा तन्हा, प्यार किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है, प्यार किस्मत से मिलता है, ओ यार किस्मत से मिलता है। कहाँ जा रही हो? राज से मिलने? ऊपर जाओ, गो टू योर रूम। विक्की सेठ, मैं यहां बैठ सकता हूं? थैंक यू। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जब से जेल से छूटा हूं सेठ, न जाने कितने नामों को याद किए फिर रहा हूं, उनमें से एक नाम पॉप सिंगर राज का भी है। मत लो उस हरामखोर का नाम, मेरा बच चले तो मैं उसे गोली चोड़ा दूं। जो काम तुम नहीं कर सकते सेठ, वो काम ये बंदा कर सकता है। हाँ, क्योंकि राज मेरा भी दुश्मन है। साहब, जयकिशन जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसने हमारी दहलीज पर पांव रखने की हिम्मत कैसे की? उससे कह दो हमें उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे गरीब को जरूरत है आपसे मिलने की। चले जाओ यहां से, वरना धक्के देके यहां से बाहर निकलवा दूंगा। जो मन में आए सो कह लीजिए, लेकिन मेरी सुन तो लीजिए। ठाकुर साहब, अब तो हम दरख्त के वो पत्ते हैं जो किसी भी वक्त आंधी के एक हल्के से झोंके से जिंदगी के पेड़ से टूटकर मौत की मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बच्चों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। क्या बकते हो ठाकुर साहब? आप इस शादीवारी में बैठकर उनके पवित्र प्यार की गहराई को नहीं जान सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आप दौलत के ढेर पर बैठकर सब कुछ खो दें और आपकी बेटी सारी दौलत को ठोकर मारकर
प्यार की दुनिया अपना ले। बकवास बंद करो। मैं अपनी बेटी को छीनने वालों की सांसें छीन लूंगा। मेरे बेटे की सांसों से तुम्हारी बेटी की जिंदगी के तार जुड़े हुए हैं। अगर एक तार तोड़ोगे तो दूसरा भी कभी नहीं बच पाएगा। इसलिए कहता हूं, उनके प्यार के बीच दीवार मत बनो ठाकुर, मत बनो। ठाकुर साहब, 12 साल पहले आपकी एक छोटी सी गलती ने मुझे जेल की सलाखों में कैद कर दिया था। अब कोई ऐसी गलती मत करना, वरना उन बच्चों की जिंदगी मौत की सलाखों में कैद हो जाएगी, और फिर खुशियों के बदले गमों का सैलाब आ जाएगा। जानते हैं, प्यार करने वालों को उनका हक ना दो ना, तो वो जो सारी दुनिया को प्यार करता है नाराज हो जाएगा। दौलत के घमंड में हमारी गरीबी का चोला देखकर ऐसा मत करना ठाकुर, वरना सारी दुनिया फकीर हो जाएगी। पूनम, रो मत बेटा, रो मत। जो तुम चाहोगी वही होगा। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी राज के साथ ही होगी। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप पत्थर जरूर है, लेकिन पत्थर दिल नहीं। कुछ दिनों के बाद तुम लोग एक बहुत बड़ा शो करने वाले हो ना, उस शो के खत्म होते ही मैं तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दूंगा बेटा। आई मीन इट। जानते हो नोटों की बारिश में तुम पर क्यों कर रहा हूं? इसलिए सेठ कि मैं राज पर गोलियों की बारिश करके उसे मौत के समंदर में डुबो दूं। गोलियों की नहीं, सिर्फ एक गोले। राज जब स्टेज पर अपनी कामयाबी और आने वाली जिंदगी के नशे में झूम झूम कर गा रहा होगा, तुम इस गोली से उस गीत को उसकी जिंदगी का आखिरी गीत बनाओगे। पूनम जी, हाँ मैं पूनम के बहाने मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। किस लिए? एक तवायफ को और किस लिए बुलाया जाता है? कमाल है, दूसरों की बाहों में सिमट जाती हो और हमसे ही दूर भागी जा रही हो। ऐसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज की रात हम तुम्हारे साथ गुजारेंगे। घबराओ मत, पैसे देंगे। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000? बोलो। बस करो, भगवान के लिए बस करो। भगवान के लिए? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? तुम्हें भगवान की नहीं धनवान की जरूरत है। रात भर तुम उसकी पुजारन बन जाती हो, अपना शरीर उसे देती हो, और सुबह वो प्रसाद में तुम्हें धन देता है। आज मैं भी वही तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हारा बेवफा प्यार नहीं भुला सका। सुबह, रात, दिन, शाम, हर वक्त वो यादों के सांप मेरे दिमाग को डसते रहते हैं। मैं शराब भी पीता हूं उन यादों के निशान दिल की दीवार से मिटाने के लिए, लेकिन वो निशान गहरे होते जाते हैं। और आज मैं तुम्हारे शरीर की नंगी तस्वीर अपने मन की दीवार में लटकाकर मोहब्बत की जगह अपने दिलो दिमाग में नफरत पैदा कर लूंगा।
और फिर मैं चैन से सो सकूंगा, औरों की तरह आराम से सो सकूंगा। नीराज, नहीं, नहीं राज, नहीं, छोड़ राज, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे राज, छोड़ दो, भगवान के लिए रुक जा, नहीं, नहीं राज, राज रुक जा, क्या हो गया तुम्हें राज, क्या हो गया, छोड़ दो, नहीं, नहीं, नहीं राज बेटे, जा यहां से तू, जा। बज़ात एहसान फरामोश, तूने अपने गलीज और नापाक हाथों से उस मासूम के जिस्म को छुआ, उसे बेइज्जत करना चाहा। पर अच्छा सिला दिया है तूने बुढ़ापे में मेरी मेहनत और मेरी तालीम का। कौन पाक है? वो बसंती? अरे वो तो गंदे नाले से भी ज्यादा नापाक है। वो बाजारू औरत पैसे के लिए अपना जिस्म। अगर तूने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। तू उसे नापाक कहता है जो मेरी नजरों में तेरे लिए गंगा जल है, मुकद्दस पानी से भी बढ़कर है। अरे तू ऊंचाई पे तो पहुंच गया, लेकिन तूने ये कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि किसी की कुर्बानियों को सीढ़ी बनाकर तू आज तरक्की के आसमान तक पहुंच गया है। बसंती न कभी बाजारू थी और न बाजारू हो सकती है। वो तो एक फरिश्ता है, देवी है। अगर तू उसकी छाया को भी छू सके तो शायद खुदा तेरे गुनाह माफ करते। बरखुरदार, उसने तेरे दिल में अपने खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए सारा खेल खेला था, क्योंकि तू जब तक उस गंदी बस्ती और बस्ती वालों को न छोड़ता तो तुझे आज ऊंची सोसाइटी में कुर्सी नसीब न होती। बेटे, उसने तेरी तरक्की के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और दिखावे के लिए नापाक चोला ओढ़ा। बस चाचा, बस चाचा, चाचा मुझे माफ कर दो। चाचा, माफी मुझसे क्या मांगता है रे? माफी मांगनी है तो बसंती से मांग, उस देवी से मांग। मैं आदमी नहीं, कुत्ता हूं, इसलिए सूंघता रहता हूं। हड्डी नहीं, नरम नरम बोटी और कौली कौली छोकरी। और देखो ना, जेल से छूटते ही सूंघते सूंघते तुम तक का ही पहुंचा। गौतम बाबू, मैंने सारी बस्ती छान मारी लेकिन मुझे बसंती कहीं नहीं मिली। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो बसंती कहाँ है। मालूम नहीं राज, पता नहीं वो कहाँ चली गई। चाचा, चाचा अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं बसंती को? नहीं बेटे, फिक्र मत कर, हम तलाश करेंगे बसंती को, ढूंढ के लाएंगे कहीं से भी उसे। हाँ बेटे। Raj, I've got some superb news for you. I'm so happy. Hi Poonam. Hi Poonam. अरे मैं एक जबरदस्त न्यूज लाई हूँ और तुम इस सूखे मुँह से कह रहे हो हाय पूनम। मैं एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तुम पूरे हिल जाओगे। अच्छा? हाँ, तो ये बताओ क्या खुशखबरी हो सकती है? मैं कैसे बताऊँ, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। मगर तुम्हारे पिताजी जरूर जादूगर हैं।
उन्होंने न जाने मेरे डैडी पे क्या जादू कर दिया कि वो हमारी शादी को फौरन राजी हो गए। क्यों है ना खुशी की बात? ए कहाँ गायब हो गए? मैं जरा भटक गया था खुशी की तलाश में, नहीं मिली और मैं ले आई, है ना पूनम? मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बस अब कोई बात बात नहीं, बात का वक्त ही नहीं है। जानते हो राज, डैडी ने एक बहुत बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसको सुनने के लिए इतने लोग आएंगे कि गिनना मुश्किल होगा। ऐसा लगेगा कि इंसानों का समुंदर है। मुझे डर है पूनम, कहीं मैं उस समुंदर में डूब न जाऊं। मैं तैरना जानती हूँ, हर मौज से निकाल लाऊंगी। साली मोहब्बत भी क्या चीज है बसंती? अरे इतना प्यार तो मजनू ने अपनी लैला से भी नहीं किया होगा जितना मैं तुमसे करता हूँ। अब देखो ना, कल से तुम्हारे पास बैठा तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तब जाके कहीं होश आया है तुम्हें। घबराओ मत बसंती, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे यार टोनी की अमानत हो। वैसे मेरी अमानत पूनम तुम्हारे आशिक राज के पास है, लेकिन वो बहुत जल्द वापस मेरी बाहों में आ जाएगी क्योंकि मेरा जो यार है ना टोनी राज को खत्म कर देगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरे राज को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या करूँ बसंती, ये दुश्मनी चीज ही ऐसी है और इश्क उससे भी बुरी चीज है। ना राज पूनम से इश्क करता और ना मैं उसे मरवाने की सोचता। टोनी चाचा, मैं बसंती के बिना नहीं गा सकता। राज बेटे तो मेरी बात सुन। नहीं चाचा, मैंने कहा ना चाचा, मैं बसंती के बिना नहीं गा सकता। पागलों जैसी बात मत करो बेटे, बसंती ने इतनी कुर्बानियां इतने सारे दुख इसलिए सहे ताकि तुम मौसीकी के आसमान पर सितारे की तरह चमको, और आज तुम उसकी कुर्बानियों को ठोकर मार रहे हो। नहीं बेटे नहीं, तुम्हें गाना होगा, बसंती की कुर्बानी उसके बलिदान के लिए गाना होगा। बेटे हमीद ठीक कह रहा है, तुम गाओगे। संगीत में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। तुम अपनी पूरी चाहत और विश्वास के साथ गाओ। अगर तुम्हारी आवाज में दर्द है, कशिश है, तड़प है, तो बसंती खुद ब खुद तुम्हारी आवाज पर खिंची चली आएगी। बेटे ये तुम्हारे प्यार और बसंती की चाहत का सच्चा इम्तिहान है। शुक्रिया 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 आपका शुक्रिया। खुशनसीबी मेरी आपने जो दिया, हो खुशनसीबी मेरी आपने जो दिया। शुक्रिया 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 आपका।
लेके आएंगे क्या, लेके जाएंगे क्या, लेके आएंगे क्या, लेके जाएंगे क्या, रुस्ते करी के छोड़ जाएंगे क्या, छोड़ जाएंगे जो है वही आपका शुक्रिया, शुक्रिया
ये बसंती की अमानत है और बसंती ने तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से अपना सुहाग माना है। प्यार का मतलब पाना होता है, छीनना नहीं। लो ये बसंती को पहना दो। क्या तुम मुझे इतनी सी खुशी नहीं दे सकते? बसंती, इसे पहन लो। ऐसी पहना दी है जंजीर टोपी वाले ने, तिरछी नजर का मारा तीर टोपी वाले ने।